बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीक क्लोज हो गया है, मार्केट क्लोज हो गई है 310 पॉइंट पे, और पॉजिटिविटी मार्केट में दोबारा आ रही है, अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जैसा कि थंबनेल में देख लें, आपको बताया कि मार्केट में अच्छी खबरें आना शुरू, बिग प्लेयर्स की धुआंधार किस्म की एंट्री मतवक्का हो सकती है 2000 पॉइंट प्लस के साथ, एक सिर्फ न्यूज़ के ऊपर जो आपके साथ आपको बताई जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी, और वो न्यूज़ मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है साबित, ठीक है। और बिग प्लेयर्स इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं वो नंबर नोट कर लें, सामने चल रहा है। और आज की हमारी सक्सेसफुल बाय कॉल्स भी आप देख सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेशो रही है। और कल भी हमें एतमाद था कि 50 से 70% होगी, लेकिन ये भी पता था कि मार्केट रिवर्सल भी ले सकती है और फिर हमारी 100% हो सकती है सक्सेसफुल बाय कॉल। और कल अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारी 100% हुई बाय कॉल सक्सेसफुल, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखें, मार्केट ने अगस्त के अंदर ही अपने हाई लगाया 6 साल का, और अगस्त के अंदर ही मार्केट के 4000 पॉइंट्स भी निकाल दिए। तो दोस्तों, ये सारी बात ये है कि देखें, मार्केट का जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों पर चलता है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त ये देखें कि मार्केट में नेगेटिव खबरें ये थी कि डॉलर बढ़ रहा था, उसके बाद आप देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक फेक न्यूज मार्केट में है कि इमरजेंट मीटिंग कॉल की जा रही है, और उसके बेसिस के ऊपर बिग प्लेयर्स ने उसको पूरी तरह कैश किया और मार्केट को कल ऐसे गिराया कि तकरीबन मार्केट 2000 पॉइंट माइनस होने वाली थी। लेकिन आपको मैंने प्रॉपर गाइड किया कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि अभी स्टेट बैंक या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है, और आज SBP की तरफ से ये चीज़ की तस्दीक भी हो गई कि ये फेक न्यूज़ थी और हमने कोई अभी एमरजेंस अपना मीटिंग कॉल नहीं की जिसमें हम ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, वो 14 डेट ही है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। 14 सितंबर, लिहाजा मार्केट ने वहां से रिवर्सल ली 800 पॉइंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो हमारी बाय कॉल्स थी वो रिवर्सल में, फिर उसमें आपने देखा कि वो हिट हुई और 100% सक्सेसफुल रेशो रही, वो आपने खुद भी देखा। तो दोस्तों, मार्केट में अच्छी खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसकी तरफ से ये न्यूज आई है कि 2 या 3 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी और वो कंफर्म होगी, पक्का वादा होगा, और वो है जी फरवरी का मिड। तो दोस्तों, ये एक बड़ा ट्रिगर मार्केट में साबित हो सकता है। बिग प्लेयर्स इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट की इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है इलेक्शन की डेट, और वो डेट जैसे मिलेगी आप देखेंगे कि मार्केट में एक नई तेजी आएगी, और ये जो 4000 पॉइंट मार्केट में 3 दिन में ये डाउन किए हैं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपको रिकवर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसलिए मायूसी बिल्कुल छोड़ दें, और ये डॉलर भी रुक जाएगा वहां पे अगर ये डेट आती है, और इसके साथ साथ डॉलर के रुकने के साथ ये इंटरेस्ट रेट तो कुछ बढ़ेंगे। अगर अगस्त का जो CPI इंडेक्स अगर 40 तक आता है या 45 तक आता है, तो 2% या 200 बेसिस पॉइंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि IMF की खबर है। दूसरी ये अच्छी खबर है कि शहजादा जो है सऊदी अरब का, वो आ रहा है पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स करने, माइंस में जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको भी लेके, UAE का भी कुछ डेलीगेशन की रिपोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान में आके कुछ MOU साइन करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो पॉजिटिव खबर है
कि जो सर्कुलर डेब्ट का मामला है इसका ओजीडीसी पीपीएल गैस सेक्टर का ये 100% सॉल्व होगा, क्योंकि आईएमएफ की शर्त है और पिछली गवर्नमेंट प्रॉमिसेस करके गई है कि ये केयरटेकर हुकूमत करेगी, और इनकी कुछ अख्तियारात में अथॉरिटीज में अमेंडमेंट की गई है, ये कर सकते हैं तो ये करेंगे, और साथ ब्राउन रिफाइनरी पॉलिसी भी दी जाएगी। अगले हफ्ते में कुछ पॉजिटिव न्यूज आपके सामने आएंगी और इंशाल्लाह ताला मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। तो दोस्तों, दो आपके साथ जो स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जो मजीद अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ने जा रहे हैं, वो है जी एटलस बैटरी और दूसरे नंबर पे एक्साइड बैटरी। ये दोनों आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इनको आप जो है ना अपना लेके होल्ड कर सकते हैं और ये आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है, बाय कॉल्स नहीं होती वीडियो में, आपने अपनी मर्जी से लेना है, अपनी मर्जी से बेचना है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।